हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी जीएसटी पेपर सॉल्विंग तो हमने पिछले क्वेश्चंस जो सॉल्व किए थे आई होप कि आपने सारे सेशंस प्रॉपरली देखे होंगे तो इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर फोर ए को क्वेश्चन नंबर फोर ए क्या कहता है लेट अस सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मै राजा एंटरप्राइजेस हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड सोल्ड बाई इट टू रानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे हमें लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दिया है एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस टैक्सेस एंड डिस्काउंट एंड द अमाउंट इज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड टैक्सेस लेविड बाय मुंसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स फोर्टी फाइव पैकेजिंग चार्जेस दिया है सी जी एस टी एंड एस जी एस टी दिया है चार्जेस फॉर डिजाइनिंग द मशीन दिया है कमीशन पेड बाय रानी एंटरप्राइजेस दिया है सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ दिया है एंड लिस्ट प्राइस इज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी राजा एंटरप्राइजेस ऑफर टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस एंड आपको सी एस सी जी एस टी और एस जी एस टी भी बाद में कैलकुलेट करना है विच इज नाइन नाइन परसेंट देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये क्वेश्चन का जो टाइप है इस टाइप को हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें इसमें वैल्यू ऑफ़ सप्लाई को कैलकुलेट करना है और कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं उस एडजस्टमेंट्स को हमको ध्यान में रखना है और फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम कैलकुलेट करेंगे अभी एडजस्टमेंट्स कैलकुले देखते वक्त एक चीज ध्यान रखना सी और एच एस अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो वो हम लोग सॉल्व करते वक्त नहीं लेंगे बिकॉज हमें वैल्यू ऑफ़ सप्लाई कैलकुलेट करने के बाद सी जी एस टी एच जी एस टी ढूंढा है अगर हम सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी जो है वो अगर गवर्नमेंट से मिलता होगा तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल एंड अगर सब्सिडी जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एन या बाकी किसी से भी मिलेगा तो वो टैक्सेबल बन जाएगा तो सीधा चलते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व क्या करना है कैसे इसको सॉल्व करना है काफ़ी सिंपल तरीका है सबसे पहले हम क्या करेंगे लिस्ट प्राइस लिखेंगे तो आपको लिस्ट प्राइस दिया था क्वेश्चन में फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड फिर जितने भी आपको एक्सपेंसेस दिए होंगे जैसे कि आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए थे टैक्सेस लेविड बाय मुंसिपल कॉर्पोरेशन पैकिंग चार्जेस डिजाइनिंग चार्जेस सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट कमीशन फ्रॉम राजा सब कुछ लिखा है लेकिन आपने नोटिस किया होगा इधर एक चीज हमने नहीं लिखी है इधर एक चीज कौन सी नहीं लिखनी है दैट इज सीजीएसटी एंड एस जी एस टी जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था देखो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो सीजीएसटी एंड एस जी एस टी दिया है फिफ्टी फोर थाउजेंड इस चीज को हमें हमारे कैलकुलेशन में नहीं लेना है इसको इग्नोर करना है बिकॉज हमें ही सीजीएसटी और एस कैलकुलेट करना है दैट इज वाई वी आर इग्नोरिंग दैट पॉइंट और अगर आपको सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी एनजीओ का है इधर अगर यहाँ पे सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता तो वो भी एग्जेम्ड हो जाता तो करना क्या है बहुत सिंपल है लिस्ट प्राइस लेना है सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं देन आपको ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस करना है तो हमारे क्वेश्चन में हमको कहा था कि टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था तो फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड हमारा लिस्ट प्राइस है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड पर हमें टेन परसेंट जो है वो माइनस करना है तो वी गॉट दी आंसर फोर्टी फाइव थाउजेंड फिर फाइव लैख सिक्सटी Uh, में से फोर्टी फाइव माइनस किया तो हमें मिल गया फाइव लैख फिफ्टीन दैट इज कॉल्ड एज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल चुका है लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि नाइन परसेंट सी जी एस टी कैलकुलेट करो और नाइन परसेंट एस जी एस टी कैलकुलेट करो तो ये कैसे करने का ये फाइव लैख फिफ्टीन थाउजेंड पर आपको नाइन परसेंट ढूंढना है दैट इज योर सी जी एस टी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सिमिलरली आपको नाइन परसेंट एस जी एस टी है सेम अमाउंट आएगा फिर ये दोनों वैल्यूज को आप अगर प्लस कर दोगे तो नाइन्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड मिलेगा एंड दिस नाइन्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इज योर जीएसटी पेएबल दिस मेथड इज कॉल्ड एज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन आया था और सभी लोगों को इसमें दस में से दस मार्क्स मिले होंगे बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस था नहीं सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो हमको इग्नोर करना था यहाँ पे नोट भी दिया है सी जी एस टी एंड एस जी एस टी चार्जेबल आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई जैसे मैंने आपको कहा और एक चीज़ इसमें याद रखना कि ये जो सब्सिडी फ्रॉम एन है यहाँ पे अगर सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या सब्सिडी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट आएगा तो वो भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा बाकी सारी चीज़ें हमारी टैक्सेबल हो जाएगी तो इस सेशन में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर फोर ए अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हो तो इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो सारे क्वेश्चंस आप देखिए और अगर आपको जीएसटी का पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए कि कैसे कैसे जीएसटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप टीवाई के स्टूडेंट हो या एमकॉम के स्टूडेंट हो तो उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लास्ट मिनट रिविजन का ऐप डाउनलोड करना ना भूले वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलने वाली है और उसमें आपको काफ़ी सारे पेपर्स भी मैंने स्टडी मटेरियल में अपलोड किए हैं ताकि आपको क्वेश्चन पेपर्स के लिए कहीं जाना ना पड़े उससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए तो दैट्स फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर बी को डिस्कस करेंगे एंड इसी तरीके से आगे के पॉइंट्स को हम सॉल्व करेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर